अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ मसाला कलेजी रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कलेजी को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ हमने धनिया पाउडर ऐड किया है, साथ ही में जीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अब हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद हम गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही में दही ऐड करेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से कलेजी के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम कलेजी को मिनिमम 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मैरिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, साथ ही में क्यूमिन सीड्स, सिनेमन स्टिक, बे लीव्स और कार्डमम्स ऐड करेंगे। उसके बाद चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। अनियन को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अनियन फ्राई होने लगे उसके बाद हम उसमें टमेटोज ऐड करेंगे। टमेटो आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं या तो ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से हम टमेटोज को कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी को ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर कवर कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। योगर्ट और कलेजी दोनों अपना पानी रिलीज करेंगे और उसी पानी के अंदर कलेजी कुक होगी। 15 से 20 मिनट के बाद लिड ओपन करके कलेजी को चेक कर लेंगे। यहाँ पे कलेजी कुक हो चुकी है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा वाटर है, तो उस वाटर को मैं मीडियम फ्लेम पे रख कर ड्राई कर लूँगी। ड्राई होने तक उसे कुक होने दूँगी। उसके बाद अब हम इसमें चॉप कोरिएंडर ऐड करेंगे, साथ ही में गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ को बीच में से कट लगाकर इस तरीके से ऐड कर देंगे और हमारी मसाला कलेजी रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी डिश है। होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।